नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस व्यवसाय एवं वित्तीय शिक्षण अभियान में। मैं हूँ रुपिया, मेरा नाम रूपा है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उन्नति और विकास का रास्ता, जिस पर चलकर आप जिंदगी में ला सकते हैं सकारात्मक बदलाव। मैं हूँ राजू, मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है राजू, तुम व्यवसाय शुरू कर सकते हो। लेकिन कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले तुम्हें उसके बाजार के बारे में पता करना विशेष जरूरी है। जैसे तुम अगर बांस का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो इसके बाजार के बारे में पता करो। बाजार तो है ही दीदी, इसके बारे में पता क्या करना? नहीं राजू, ऐसे ही कोई व्यवसाय शुरू नहीं किया जाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बाजार के बारे में पता करना बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर तुम बांस के फर्नीचर बनाओगे तो ये जानना जरूरी है कि उसके खरीदार कहाँ हैं। जहाँ पर तुम इसका काम शुरू करोगे वहाँ से उस सामान को ग्राहकों तक कैसे पहुँचाओगे, इसके लिए कितने लोग चाहिए, मार्जिन या लाभ कितना होगा। इन्हीं सब चीजों के लिए जरूरी है व्यवसाय शुरू करने से पहले बाजार का सर्वेक्षण। बाजार का सर्वेक्षण? दीदी इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखो, कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले बाजार का रुख जानना बेहद आवश्यक है। हमें अपने सामान को बेचने के लिए बाजार की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम बाजार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाजार के उतार चढ़ाव को जानना अपने व्यवसाय के विकास के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी व्यापारिक संस्थान द्वारा अपने ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए बाजार का सर्वेक्षण किया जाता है। इस तरह के सर्वेक्षण में आमतौर पर उस व्यवसाय से जुड़े लोगों को शामिल किया जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे बाजार में किन उत्पादों की मांग ज्यादा है। जो सामान तुम बनाने जा रहे हो वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं, या फिर ग्राहकों को कुछ और पसंद है। तुम्हारे सामान की कीमत को ध्यान में रखकर सर्वेक्षण से ये पता किया जा सकता है कि ग्राहक उस सामान को खरीदने में सक्षम है या नहीं। इन तमाम बातों का पता बाजार के सर्वेक्षण से लगाया जा सकता है। आजकल तो हर कंपनी इस तरह की रिसर्च करती है। अच्छा दीदी, तो बाजार सर्वेक्षण से हमें ये पता चलता है कि बाजार में हमारे बनाए सामान की मांग है या नहीं। हाँ, बाजार सर्वेक्षण के द्वारा अपने बाजार को जाना जाता है। बाजार में कौन सी वस्तु की मांग कब अधिक होती है, उसी वस्तु को दूसरे व्यापारी किस मूल्य पर बेचते हैं। बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा के बारे में जानना और ग्राहकों के खरीदने की क्षमता जानना जरूरी है। देखो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम बांस से कोई महंगा फर्नीचर या कोई और सामान बना लोगे जिसकी कीमत ज्यादा हो, लेकिन अगर वहाँ के लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो सामान खरीद सकें, तो फिर तुम्हारा सामान वैसा ही रह जाएगा। इसीलिए अपने संभावित ग्राहकों के खरीदने की क्षमता जानना जरूरी है। देखो, बाजार का सर्वेक्षण करने के लिए एक फॉर्म होता है जिसमें व्यापार से संबंधित कुछ सवाल होते हैं जिनके बारे में लोगों से राय मांगी जाती है। सर्वेक्षण फॉर्म। पास के बाजारों में बांस की उपलब्धता, मेट्रिक टन या बांस की संख्या, इसमें से कितना जंगल से आता है, गैर वन क्षेत्रों में बांस की उपलब्धता, उदाहरण निजी जमीन या सामुदायिक जमीन या अन्य, उपलब्ध बांस के प्रजातियों का नाम और उनकी मात्रा, बांस कारीगरों या उद्यमियों के प्रमुख स्थान, जिले के भीतर कारीगरों की संख्या के साथ गांवों या कस्बों का नाम, यदि संभव हो तो पुरुष या महिला वितरण के साथ, संस्था या निर्माता या उद्यम समूह या कारीगरों का संघ या कारीगर, संख्या, नाम और उनके द्वारा की जाने वाली व्यापक गतिविधियां। क्या आपके क्षेत्र में बांस के काम से संबंधित कोई संस्थागत सहायता योजना उपलब्ध है? आपके क्षेत्र में कितने सामान्य सुविधा केंद्र, बांस उपचार, डिजाइनिंग केंद्र उपलब्ध हैं? कौन कौन से बांस उत्पाद इन सुविधाओं के लिए प्रासंगिक हैं?
कौन से बाजार उन उत्पादों के लिए उपयुक्त हैं जिन्हें आप बनाना चाहते हैं। अच्छा दीदी, तो फिर बांस के काम के लिए मैं किस तरह से बाजार के बारे में पता लगाऊं? देखो, किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कच्चे माल की आपूर्ति। फिर उसके बाद दूसरे चरण में उस कच्चे माल से सामान बनाने की प्रक्रिया शामिल होती है, और सबसे अंत में होता है अपने सामान को बाजार उपलब्ध करवाना, जहां पर हम सामान को बेचकर लाभ कमा सकें। अब तुम्हें बांस से जुड़े कामों के लिए सबसे पहले देखना होगा कि तुम्हारे पास सही बांस कहां से आएगा, और सामान बनाने के लिए अन्य निर्माण सामग्री उचित मूल्य पर कहां से मिलेगी। हमारे यहां बांस की कई प्रजाति पाई जाती हैं। उनमें से उपयोगी प्रजाति का चुनाव करना जरूरी है। जो सामान तुम बनाने जा रहे हो उसमें किस तरह का बांस चाहिए इसके बारे में जानो। फिर दूसरे चरण में कच्चे बांस से फाइनल प्रोडक्ट जैसे फर्नीचर बनाने की विधियां क्या होती हैं, ये भी जानना जरूरी है कि बांस का ट्रीटमेंट कहाँ होता है। तुम्हारे इलाके में कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ है और कैसे मदद कर सकता है आदि। अब तुम बांस से जो सामान बनाना चाहते हो, जैसे घर के दरवाजे, खिड़की का फ्रेम, कुर्सी, सोफा, मेज, फर्श, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, कपड़े, टोकरी, गुलदस्ता, लैम्पशेड, हैंडीक्राफ्ट जैसे सजावट की वस्तुओं के बारे में और उनके स्टेक होल्डर के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, और सबसे अंतिम चरण है अपने बनाए सामान को बाजार तक ले जाना। दीदी, आपने तो बड़ी अच्छी जानकारी दी है। सिर्फ सामान बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बाजार की भी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही समझे राजू। ठीक है दीदी, चलता हूँ मैं बाजार के बारे में पता करने। ठीक है।